हेलो फ्रेंड, मैं रुचि, आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और बहुत ही जो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है वो वाला फर्टिलाइज़र बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो मेरा बाल्टी में है भिगोया हुआ, ये मैंने 2 दिन पहले भिगो दिया था। ये होते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये उपले, जो कि हम जिनको हम गोबर के कंडे बोलते हैं। आपको गोबर की खाद ना मिले तो जो पुराने उपले होते हैं आप उनको ले लीजिए और 2 दिन पानी में भिगो दीजिए। उसको आप मसल के चूरा बना लीजिए। चूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप इनको पौधों में डालोगे, जैसे गुलाब का सीज़न है, गुलदाउदी का सीज़न है, और गुलाब और गुलदाउदी के लिए ये बहुत ही बेस्ट, फ्लावर के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से डाल सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना होता है इसको। ये देखिए, ये मैंने बर्तन में ले लिया है ये। अब आप इसको डायरेक्ट किसी भी गुलाब के प्लांट में या सब्जी के प्लांट में डाल सकते हो, और डालने के बाद जो इसका रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। 8 दिन के अंदर कलियों से भर जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि 8 दिन के अंदर कैसे कलियों से भरेगा, और उसमें नए नए ब्रांचेस भी निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं इसको डालती हूँ, देखिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है। इस तरह से इसको फैला दो, और फैलाने के 8 दिन बाद आप इसको देखिएगा। मैं आपको 8 दिन का अपडेट भी दिखाती हूँ, अपडेट कि क्या रिज़ल्ट रहा उसका। देखिए, अब मैं 8 दिन का अपडेट दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कोमल कोमल देखिए आपको पत्तियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियाँ भी आ गई, और ये देखिए इसमें बड्स आनी भी शुरू हो गई है। देखिए, पहले इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, जब मैंने इसमें ये गोबर वाली खाद डाली और उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी पकड़ी। ये देखिए, और इसमें एक फ्लावर भी आ गया। ये देखिए, आप इस तरह से गुलाब पर और जो भी फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, आपको अगर खाद नहीं मिलती है, बहुतों को क्या होता है कि गोबर की खाद नहीं मिल पाती, तो जो कंडे हो उससे भी आप इस तरह से बना सकते हो, और आप इसकी हल्की हल्की इस तरह से ये गुड़ाई कर लें। ये देखिए, और फिर इसका रिज़ल्ट तो आपको मैंने दिखाई दिया। आप इस तरह से आप देखिए, और मैं अपनी गुलदाउदी का भी दिखाती हूँ, मैंने इसी तरह से करा रखा है, तो गुलदाउदी का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बट कितनी सारी आ रही हैं। ये देखिए, ये मेरा गुलदाउदी का है, आप इस पे बड देखिए कितनी सारी आ रही है। कोई भी गुलदावरी का पौधा ऐसा नहीं है मेरा जिसमें बड ना आ रही हो। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ, देखिए बहुत सारे गुलदाउदी लगी हुई है मेरे यहाँ। ये देखिए, और देखिए इस पर तो फ्लावर भी आ गए हैं। ये देखिए, और ये सिल्वर लीव्स वाला फ्लावर जो होता है प्लांट्स, देखिए वैसे तो ये गर्मियों का प्लांट है, लेकिन इस बार गोबर की खाद से देखिए मेरा इस पर कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं, पत्तियों से ज़्यादा मुझे फ्लावर दिख रहे हैं इस पर। देखिए, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये भी, और आप सभी पर निगाह मारेंगे तो देखिए मेरी बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं। देखिए, सारा जो है मेरा गमला सारा मेरा कलियों से भरा हुआ है। देखिए, तो आप इस तरह से अपने जितने भी प्लांट्स हैं आप ये डाल सकते हो। मैंने मोस्टली सभी गुलाबों में ये डाल रखा है। छोटे से छोटे पे मेरी बड आना शुरू हो गई है। देखिए देखिए, इस तरह से बहुत अच्छा, और देखिए ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, इन सब पे भी बड आनी स्टार्ट हो गई।
तो आप इस तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को, अपने जो प्लांट्स हैं उनकी अच्छी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और जब फ्लावरिंग होती है तो हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है, और जो हमारे लोग हमारे गार्डन में आते हैं वो भी देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।